लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की बारी है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया और दोनों सपा और कांग्रेस परीक्षा में सफल हुए, लेकिन अब उपचुनाव की परीक्षा होने वाली है। पर इस परीक्षा में कौन पास होता है ये देखने वाली बात होगी। वो ऐसे कि इंडिया गठबंधन की जोड़ी यहाँ तक तो ठीक थी, पर आगे भी ये जोड़ी ऐसे ही रहेगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें ज्यादातर खाली सीटें बीजेपी और सपा के विधायकों के सांसद बनने से हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच कोई पेच न फंस जाए। और सहमति बनी भी तो कांग्रेस और सपा के बीच कितनी सीटों पर बनेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद फूलपुर, खैर गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटहरी और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय हो गया है। इसके साथ अभी हाल में कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी को हुई सजा के बाद वहां भी उपचुनाव की पूरी संभावना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सबसे ज्यादा 8 विधायकों को मैदान में उतारा था। वहीं सपा ने 6 विधायकों को चुनावी रण में खड़ा किया था। कहा जा रहा है कांग्रेस उपचुनाव में इसलिए भी सीटों की मांग कर सकती है क्योंकि उसे इस बार यूपी में संजीवनी मिली है। ऐसे में सीटों को लेकर सपा से कांग्रेस कितनी सीटें लेने में कामयाब होती है, कांग्रेस को सीटें मिलेगी भी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस और सपा के नजरे अभी से अगले विधानसभा चुनाव पर है। अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।